वेलकम टू अवर चैनल टेट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनपीसीएल का एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट होने वाला है। एनपीसीएल नरोड़ा का जो रिक्रूटमेंट आया था 2023 साल में, इसका फॉर्म फिलअप जनवरी में कंप्लीटेड हुआ है और इसका एग्जामिनेशन डेट भी डिक्लेयर हो गया, एडमिट कार्ड भी आउट हो गया है। तो इसका एग्जामिनेशन डेट 7 अप्रैल 2023 और इसका स्किल टेस्ट का डेट है 8 अप्रैल 2023। 7 अप्रैल आप लोगों का प्रीलिमिनरी और एडवांस एग्जाम दोनों कंप्लीटेड हो जाएगा। तो एनपीसीएल के लिए अभी क्लास लेने का टाइम आ गया है और इसीलिए मैं एनपीसीएल का एक ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का क्लास प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूं। एक्चुअली ये पेपर है स्टाइपेंडेट इन कैटेगरी 2 प्लांट ऑपरेटर पोस्ट का है। सुन लीजिए पहले पूरा बात। प्लांट ऑपरेटर का सेकेंड स्टेज का पेपर है, आप देख सकते हैं पेपर 2 एडवांस टेस्ट है और ये बाकी आईटीआई स्टूडेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन एनपीसीएल में इजी तो होता है लेकिन बीएआरसी एनएफसी इन सब में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट आप लोग आईटीआई से फॉर्म फिलअप किए हैं, एनपीसीएल नरोड़ा, एनपीसीएल ककड़ापड़ा, एनपीसीएल जैसे और भी तारापुर है, तो इन सब में फॉर्म फिलअप किए तो आपको पूरा वीडियो देखना है। इस वीडियो का जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और प्लांट ऑपरेटर स्टूडेंट आप लोग कह रहे थे बहुत दिन से कि सेकंड स्टेज का पेपर आप सॉल्व करवा दीजिए, तो फाइनली मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आईटीआई स्टूडेंट भी आप लोग पूरा वीडियो को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का भी कभी कभी लॉग से क्वेश्चन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कभी कभी डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन आपको कॉमनली पूछा जाता है वही क्वेश्चन आज का पेपर में है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और उसका डिस्कशन मैं अभी आप लोग के लिए करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव या लॉग से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो जो मैं आज का पेपर में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा उसी से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा उन सब क्वेश्चन का। ओके, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें भी जैसे आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछा जाता है 50 क्वेश्चन इसमें भी है और इसका जो 20 मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन का सलूशन आज मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूं। इसके लिए 120 मिनट का टाइम रहता है। ऊपर में आप देख सकते हैं ये आप लोगों के लिए दिया गया इंस्ट्रक्शन है और एनपीसीएल का ये पूरा पेपर है। एनपीसीएल का जितना भी रावत भट्टा का एग्जामिनेशन हुआ था सभी पेपर इसमें है। ओके, तो क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन सेक्शन में आप लोग लेके चलता हूं। 20 का बाद मैथ का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 21 से मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। वेट, हाँ, तो भाग टू मतलब पार्ट टू मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी प्लांट ऑपरेटर का स्टूडेंट है आप लोग इतना दिन से कह रहे थे, फाइनली आप लोगों के लिए भी पेपर ऑफिशियल पेपर का सलूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया था एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर 128 इक्वल टू रूट ओवर 162 डिवाइड बाई एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको मैं ग्रीन स्क्रीन पर भी करा सकता हूं, अदरवाइज इसी पे अगर कराएंगे तो अगर आप लोग को दिक्कत होता है इसीलिए मैं ग्रीन स्क्रीन पर आप लोग को लेके चलता हूं और भी आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो। इसमें हम रेड कलर ले लेते क्योंकि रेड कलर आप लोग प्रेफर किए हैं कि रेड कलर से अच्छा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया था एक्स बाय 128 रुको रूट ओवर 128 इज टू रूट ओवर 162 डिवाइड बाई एक्स। तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू रूट ओवर 162 इंटू रूट ओवर 128, ठीक है। तो 162 को आप लोग तोड़ लीजिए 281327 इसके बाद 3933, ठीक है। और 128 को हम लोग तोड़ ले रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 642 232 216 28 2422, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए आप जब रूट रूट करेंगे तो आपका रूट ऐसा हो जाएगा, तो
तो इधर आपको लिखना है 2 into 3 into 3 into 3 into 3, इसका बाद आपका निकालेगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, मतलब टोटल जितना हुआ है हम लोग जैसे तोड़ लिया है उसमें से आप देखिए आपका कितना निकालेगा, उसमें से इन दोनों में से एक तीन और इन दोनों में से एक तीन, मतलब 3 into 3 हो गया, और ए दो से एक दो निकाल गया, ये दो से एक दो निकाल गया, ये दो से एक दो निकाल गया, और इन दो से एक दो निकाल गया। तो टोटल करने के बाद इसका क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 144, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 144 होगा, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा रूट ओवर 144, मतलब हो जाएगा आपका 12 प्लस माइनस 12, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 12, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन पर आप लोग लेके चलता हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.04 to the power 1/4। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब देख सकते हैं इसमें डेसिमल में है, इसीलिए निकालना थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसमें आपको जो दिया है 1.04 ब्रैकेट क्लोज 1/4, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 1 plus 0.04 ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर 1/4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग लिखेंगे तो ये क्या आ रहा है, एक किस फॉर्मेट में हम लोग आ रहा है, 1 plus x to the power n में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, अगर 1 plus x to the power n होता है तो इधर हो जाएगा 1 plus n into x हो जाएगा, ओके। तो इधर आप देखिए इस जगह में क्या हो जाएगा, 1 plus 0.04 to the power n का जगह जगह 1/4 इजिकल टू आपका हो जाएगा 1 plus n, मतलब हो जाएगा 1/4, और x का जगह क्या हो जाएगा 0.04 ब्रैकेट में 0.04, ठीक है। तो क्या आपका हो जाएगा 1 plus, इसको अगर आप लोग काटेंगे तो 0.01 आएगा, तो 1 plus 0.01 मतलब 1.01 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो आपको क्वेश्चन में दिया है जस्ट आपको तोड़ लेना है, क्योंकि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के लिए इसमें जो आपका फॉर्मूला है इसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, 1 plus x to the power n में आपको लिखना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला क्या, तो 1 plus n into x हो जाएगा। तो n का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/4, x का वैल्यू हो जाएगा 0.04, काटने का बाद 1.01 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 323, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 0.5, ठीक है। तो इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 0.5, एक्चुअली होता है cos पाई बाई थ्री इज इक्वल टू होता है 0.5। तो ऐसे जब आप लोग करेंगे cos इनवर्स 0.5 तो इधर आपका हो जाएगा पाई बाई थ्री, ठीक है, cos इनवर्स करने से। तो पाई बाई थ्री का वैल्यू क्या, पाई डिग्री या पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है आप लोग जानते हैं, 180 डिग्री होता है। तो डिवाइड बाई थ्री मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इधर आपका कितना वैल्यू आ रहा है, cos इनवर्स 0.5 मतलब आ रहा है 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला था cos पाई बाई थ्री इज इक्वल टू होता है 0.5, cos इनवर्स जब भी करेंगे तो ये पाई बाई थ्री इधर आ जाएगा, ओके। इसमें उल्टा चेंज नहीं होता cos इनवर्स करने से, ठीक है। तो पाई बाई थ्री पाई का वैल्यू होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू वैल्यू होता है 180 डिग्री, डिवाइड बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, ओके। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आईटीआई बेस में भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट ऑपरेटर ट्रेड का स्टूडेंट के लिए और आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब भी आप लोग डीआई का कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं जैसे बीएआरसी एनपीसीएल एनएफसी, उसके बाद इसरो का भी एग्जामिनेशन में डिफरेंशिएटिंग से
और इंटीग्रेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को बेसिक लेवल तक आपको जानना चाहिए। एक तो क्वेश्चन अगर आप लोगों को ऐसे पूछे जाएगा उसी से आपको कट ऑफ बन जाता है। तो मैं आप लोगों का बेसिक लेवल का जो डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आपको पूछा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/3 x2। तो 1/3 x2 का डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, अवकलन निकालना है, ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा, जैसे मैं आप लोग को अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा वैसे ही आपको नीचे एक क्वेश्चन है सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा y = 1/3 x2, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, मतलब x का रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएटिंग करते तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट dy/dx। तो आप लोग जानते हैं d और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 x2, तो 1/3 x2 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा dx। इसके बाद इक्वल टू देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 1/3 सामने आ जाएगा, इधर आप लोग d लिखेंगे और ब्रैकेट में आपका होगा x^-2। क्यों हो रहा है आप लोग देखिए, 1/3 जो था ये सामने आ गया, और जब भी सामने आ गए तो 1/x2 बचे रहते हैं। तो 1/x2 मतलब क्या, x^-2 है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आपका हो जाएगा 1/3 × ये जो आपका पावर में जो भी रहता है, तो पावर में जो रहता है वो सामने आ जाता है, −2 हो जाएगा, × आपका हो जाएगा x^-2, और नीचे जो x है dd आप लोग कर सकते हैं, नीचे जो x है वो आपका हो जाएगा x^-1। तो एक्चुअली आपका हो क्या रहा है, 1/3 हो रहा है, 1/3, और इधर आपका −2 है, मल्टीपल जब भी होगा तो −2/3 हो गया, ओके। और इधर आप देखिए x^-3 हो रहा है, तो x^-3 आप लोग लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं, x^-3 भी लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइन में आप लोग जब करेंगे तो −2/3, नीचे x^-3 था इसको अगर नीचे लाएंगे तो x^3 हो जाएगा, ठीक है। −2/3 x^3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया है आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको लिख लेना है y = 1/3 x2, और आपको करना है x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग। तो dy/dx y का जगह ये वैल्यू लिख देना है, इसके बाद नीचे dx होगा, और 1/3 जो है वो आपको सामने आप लिख सकते हैं, मल्टीपल करके आपको लिखना है। इसके बाद जो नीचे आपको 1/x2 बचेगा तो x^-2 हो जाएगा, नीचे dx सेम रहेगा, dd आप लोग कर सकते हैं, इसके बाद 1/3 होगा, और इधर जो पावर में जो रहेगा वो क्या होगा, सामने आ जाएगा, तो 1/3 × −2 हो जाएगा, पावर में था। इसके बाद x बचे रहेगा, तो x^-2 होता नीचे x है, मतलब x^-2 ऊपर भी जाएगा, तो एक्चुअली ऊपर में हो रहा है x^-3। इसके बाद आप देखिए −2/3 आपका हो रहा है एक्चुअली x^-3, तो x^-3 अगर नीचे लाते तो −2/3 x³ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, x = 9 एंड y = 5 आर द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन द करेक्ट इक्वेशन बी। तो इसमें बोल रहा है यदि x = 9 y = 5 रैखिक समीकरण का समाधान है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा कि कौन सा समीकरण इसमें सही है। तो इसमें आप देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी में अगर आप लोग 5 × x का वैल्यू अगर आप लोग 9 लिखते हैं और 9 × y का वैल्यू अगर आप लोग 5 लिखते हैं, = 0 हो रहा है कि नहीं, देखिए 45 − 45 = 0, मतलब आपका 0 = 0 हो रहा है। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन है आपका सही है, बाकी x और y के वैल्यू इधर पुट करके देखिए, इधर पुट करके देखिए, आपका वो इक्वल वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी। तो इधर आप देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर आप लोग x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5 पुट करते तो आपका ये इक्वेशन सही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इफ a = 3πr² − 4πr देन रेट ऑफ चेंज ऑफ a
विथ रिस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इज इक्वल टू 4। तो इसमें बोल रहा है ए का एक इक्वेशन दिया 3πr² - 4πr। तो ए में क्या परिवर्तन होगा आर का रिस्पेक्ट में, जबकि आर का वैल्यू हो जाएगा आर इज इक्वल टू 4। तो इसमें आर इज इक्वल टू 4 दिया, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा 3πr² मतलब 4² आप लोग करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 4πr मतलब इंटू 4 करेंगे, तो इधर आपका आ रहा है 48π माइनस आप लोग आ रहा 16π, तो आप लोग करेंगे 32π राइट आंसर, क्योंकि आप लोग ऑप्शन में भी है तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको इधर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इधर आप देखिए ए इज इक्वल टू आपको जो दिया है 3πr², तो आप एक एक करके कर सकते हैं, तो 3πdr² नीचे dr 3π जो आपका पावर में रहता है क्या होता है वो मल्टीपलों के सामने आ जाता है, और इधर आपका क्या हो जाएगा डी आर टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर, और इधर जो आर है तो ऊपर में चला जाएगा 1, ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे 6π, और इधर आप डी डी कटेंगे तो क्या हो जाएगा आर टू दी पावर माइनस 1, आर टू दी पावर माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा आर, तो 6πr इधर आपका वैल्यू आ गया, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू है 6πr। तो इधर आपको और क्या दिया है, इधर आपको और दिया है 4πr, ठीक है, तो इधर आप लोग डायरेक्टली इसको कर सकते 6πr - 4πr। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी देखिए 6 into π into 4 - 4 into π into 4, तो इधर आपका हो जाएगा सॉरी इसको भी आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4πr है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4πdr/dr, ठीक है, तो 4π और इधर आपका पावर में 1 है मतलब 1 आ जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा डी डी कटेगा तो आर टू दिवा 1 - 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी आर ऊपर चला जाएगा तो आर टू दिवा 0 आएगा, तो 4π इधर क्या हो जाएगा आपका आर टू दिवा 0, किसी भी पावर का 0 होता है मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, मतलब 4π आ गया। तो इधर आप देखिए इधर आपका क्या वैल्यू आ रहा था 6πr, मतलब r का जगह आपको लिख देना है वैल्यू 4, तो इधर आपका 24π आ रहा था, और अभी आपका कितना पाई माइनस हो जाएगा 4π माइनस हो जाएगा, तो 4π माइनस होने से क्या हो जाएगा 20π इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो काफी हेल्पफुल क्वेश्चन है, और जैसे मैं आप लोगों को बताया था पिछला क्वेश्चन में वैसे सेम टू सेम है, इधर आपको जो ए दिया है तो ए सबसे पहले 3πr² लिख लेना है, तो 3π into dr² / dr, तो इसमें से आर का वैल्यू आपको ऊपर लेके जाना है, तो इधर आप देखिए जो आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का कारण क्या हो जाएगा आपका जो पावर 2 है सामने आ जाएगा, तो इधर आप लोग आर स्क्वायर माइनस नीचे का जो आर है माइनस 1 करेंगे तो 3π into 2 मतलब 6π हो जाएगा, और नीचे आप देखिए डी डी करेगा तो आर टू दी पावर 2 - 1 मतलब आर टू दी पावर 1, तो आर टू दी पावर 1 का वैल्यू था आर, तो 6πr आ गया, और इधर जो दिया था 4πr को भी आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा 4π·dr/dr, तो इधर आप कर सकते हैं या डी डी कटेगा तो आर टू दी पावर 1 - 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आर टू दी पावर 0 इज इक्वल होता है 1, ठीक है, तो इधर 4π into 1 मतलब 4π इसका आर है, ठीक है, तो इधर आपका जो 6πr है, तो इधर अगर 4 का आर का वैल्यू 4 लगा देते तो 24π होगा, और इधर 4π माइनस हो जाएगा मतलब टोटल 20π इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, काफी हेल्पफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें बोला है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब जिसका घात में अब देखिए 2 नहीं है, तो x का घात 2 है, इधर भी इसको अगर आप लोग करते तो क्या हो जाएगा x² + 1 = x, तो आप लोग ऐसे करेंगे x² - x + 1 = 0, x का पावर 2 आ रहा है मतलब घात 2 आ रहा है, इसमें देखिए x का पावर 3 है, इसको भी अगर आप लोग करेंगे तो x² - 9x = 0, मतलब x कॉमन लेने से x - 9 = 0, तो x का वैल्यू 0 होगा और 1 होगा 9, ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो पावर है वो द्विघात नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि उसका क्यूब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.00512 इज, 0.00512 का घनमूल
क्या है। तो इसमें आपको घनमूल निकालने के लिए बोला है, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं 0.000512 घनमूल निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट का अंदर ही आपको ऐसे करना है 0.000512। नीचे इस पॉइंट को हटाने के लिए आपको टोटल 6 जीरो देना पड़ेगा। क्यों, 1 2 3 4 5 6 संख्या, इसलिए 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। तो इधर आप देखिए ऊपर में क्या बचता है, ऊपर में आपका बचता है 512 और नीचे में आपका क्या कितना बचेगा, नीचे में आपका टोटल 6 जीरो बचेगा। ठीक है, तो इधर आपका क्यूब हो जाएगा, इसको अगर आप लोग करेंगे तो 8 नीचे आपका 10 हो जाएगा। ओके, और इधर आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो क्यूब था तो इधर आपका 1/3 हो जाएगा, और इधर आप लोग 8 क्यूब अगर करते हैं तो 8 क्यूब इज इक्वल टू 512 और 10 क्यूब इज इक्वल टू, आप देखिए 10 का बाद 6 जीरो हो जाएगा। ओके, तो इधर आप लोग करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका पावर में भी 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब का हम लोग पावर लिख रहे हैं, तो इधर आपका कट जाएगा। ओके, और एक्चुअली इधर 100 होगा, नीचे 100 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 100 × 100 × 100 करेंगे तो टोटल कितना जीरो होगा, 1 का बाद 1 2 3 4 5 6 तो टोटल इधर क्या हो जाएगा 8/100 इसका वैल्यू आ जाएगा, मतलब 0.08 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, समझ में आ गया है। तो इधर जो आपका क्यूब रहता है उधर जब जाता है तो ब्रैकेट में क्या होता है 1/3 हो जाता है, और इसका पावर क्या था 8/512 का हम लोग 8 क्यूब में कर दिया है, और ये जो 1 का बाद 6 जीरो था उसका हम लोग 100 तक क्यूब कर दिया, तो उसके बाद कटने के बाद 8/100 तो 0.08 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 4605। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी ज्ञात पूरा इजी क्वेश्चन है, पता नहीं इतना इजी क्वेश्चन क्यों डाला है, क्योंकि बीच में आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको दिया है, आपको दिखाता हूं 30 नंबर का क्वेश्चन। द फंक्शन एफ एक्स लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डैश फंक्शन, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वैल्यू ऑफ रूट ओवर 32 + 48 डिवाइड बाई रूट ओवर 8 + रूट ओवर 12। तो इसमें देखिए आपको कटने का कोई भी जगह नहीं मिल रहा है, तो इसमें दिया है आपको रूट ओवर 32 + रूट ओवर 48 डिवाइड बाई रूट ओवर 8 + रूट ओवर 12। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग किसी को भी काट नहीं सकते, क्योंकि कोई इक्वल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको दिया है उसको तोड़ लेना है। तो इसको आप लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 2 8 2 4 2 2, मतलब इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए 2 2 1, मतलब आप लोग जानते हैं स्क्वायर में क्या होता है रूट ऑफ, मतलब रूट में क्या होता है, इसमें जब 2 2 है तो इसमें से 1 तो निकल जाएगा, इसमें भी 2 2 है तो इसमें से 1 तो निकल जाएगा। तो टोटल कितना 2 निकल रहा है, 2 × 2 निकल रहा है, और 1 2 अकेला है, मतलब वो रूट का आकार में रहेगा। प्लस 48 को भी आप लोग वैसे ही कर सकते हैं 48 24 12 2 6 2 3, तो इसमें आप देखिए 1 2 और 1 2 निकल जाएगा, मतलब 2 × 2 और ब्रैकेट रूट में 3 रहेगा, क्योंकि 3 अकेला है। नीचे भी आप देख सकते 8, तो 8 को आप लोग ऐसे तक तोड़ सकते हैं 2, तो इसमें से आप देखिए 1 2 निकाल के आएगा, तो 2 × √2 हो जाएगा, 1 2 अंदर रहेगा, प्लस 12 2 6 2 3, मतलब इसमें से 2 बाहर रहेगा और रूट ओवर 3 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए इसमें आप लोग एक्चुअली क्या हो रहा है 4√2 + 4√3, नीचे 2√2 + 2√3। ठीक है, तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से अगर आप लोग कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में अगर आप लोग 4 कॉमन लेते हैं तो आपका कितना रहेगा √2 + √3, और नीचे अगर आप लोग 2 कॉमन लेते तो √2 + √3 रहेगा, तो √2 √3 कट जाएगा, और इधर 4 से 2 का अगर आप लोग काटेंगे तो 2 राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
तो दो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे किया आप देख सकते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे इसमें किसी भी चीज इक्वल नहीं है, तो इसमें हम लोग कैसे तोड़ लिया, उसके बाद हम लोग लास्ट में देखिए ये हम लोग का इक्वल आ गया, रूट ओवर प्लस रूट ओवर, रूट ओवर प्लस रूट ओवर टू प्लस रूट थ्री, और नीचे आपका रूट टू प्लस रूट थ्री आ गया, तो दोनों का हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे आपको लाने के लिए आपको तोड़ लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्मूला दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें आप पुट कर लीजिए 249 प्लस 248 मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 249 माइनस 248 इसको आप लोग कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 7, आपका हो जाएगा 9 और 4, 497 इंटू आपका इधर 1 हो जाएगा, तो 497 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज, तो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली दो वेक्टर अगर हम लोग मान लेते ए वेक्टर है, ए वेक्टर का साइन है, इनटू बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर इज इक्वल होता है ए बार इनटू बी बार, और आपका हो जाता है कॉस साइन थीटा, ठीक है। तो इधर आप लोग ऐसे करते हैं, आपका बोलना है दो वेक्टर क्या पैरेलल है, मतलब उन दोनों का बीच में एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री एंगल होगा, तो इसमें साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू आप लोग जानते हैं जीरो होता है, तो इसमें आपका जो भी है दो वेक्टर जो भी है जो भी वैल्यू इसका, और साइन थीटा का वैल्यू साइन आप लोग जीरो डिग्री कर रहे हैं, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज, तो दो पैरेलल वेक्टर ए और बी वेक्टर के साइन है ऐसा साइन है, ठीक है, तो ये दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, तो ए इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा, और इसमें आपको जो कंडीशन देना पड़ेगा ए और बी पैरेलल टू ईच अदर, तो हम लोग पहले ही बता दिया कि पैरेलल इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो थीटा इक्वल टू जीरो होगा, तो साइन जीरो डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, इसीलिए टोटल क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया, काफी हेल्पफुल क्वेश्चन है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आईटीआई स्टूडेंट को भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आप देखिए साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स, तो हमने इसको इजीली सॉल्व किया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत बार मैं आप लोगों को बताता हूं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो ऐसे आप लोग लिख सकते साइन 180 डिग्री माइनस एक्स, तो आप लोग अगर ऐसे ऑल साइन टेन कॉस ये अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग जानते हैं इसमें सब पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इसमें देखिए जब हम लोग 90 माइनस एक्स करते हैं, अगर ऐसे 90 और 270 अगर हम लोग करते हैं, अगर इधर 90 माइनस एक्स रहता या 270 माइनस एक्स रहता, तब क्या हो जाता, ये जो साइन रहेगा वो आपका कॉस थीटा हो जाता, लेकिन ये 180 डिग्री या 360 डिग्री जब रहेगा तो जो साइन है मतलब सामने जो है वो सामने वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। और इधर देखिए ये साइन का ए वाला घर सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का है, तो 180 माइनस एक्स, तो इसमें देखिए ए 90 डिग्री होता है और ए भी 90 डिग्री, मतलब टोटल इधर तक 180 डिग्री होता है, ओके, और इसमें से बोल रहे हैं इसका वैल्यू क्या 180 डिग्री, मतलब इधर से जो 180 डिग्री माइनस एक्स किसी भी वैल्यू है, मतलब किसका अंदर आएगा, साइन का अंदर आएगा, ओके, इसीलिए साइन का अंदर जब भी आएगा तो साइन का घर है, तो साइन का अंदर जब भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका इधर पॉजिटिव प्लस साइन होगा माइनस नहीं होगा, तो इधर आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइन एक्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जैसे हम लोग किए थे 11th 12th में किए थे ऐसा मैथ जब भी आप लोग का आता है तो पाई का जगह आप लोग 180 डिग्री लिख सकते, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो जब भी 180 डिग्री और 360 डिग्री रहेगा और सामने अगर साइन रहेगा या कॉस रहेगा तो वो सेम रहेगा, ओके, अगर उसका जगह अगर 90 डिग्री 90 माइनस एक्स रहता या 270 माइनस एक्स रहता तब क्या होता साइन तब कॉस हो जाता, मतलब वो चेंज हो जाता, ओके। और इसमें देखिए जब ये अपने घर में आ रहा है ऐसा अगर होता ये तो साइन है और ऐसा अगर बोलते 180 डिग्री प्लस एक्स, मतलब 180 डिग्री इतना तक हो गया प्लस एक्स, मतलब टेन का घर में आ गया, तो टेन का घर में वो नेगेटिव होगा,
ओके, इसीलिए तब आपका माइनस साइन एक्स तब आ सकता, अगर ये 180 डिग्री प्लस एक्स होता तो, या पाई प्लस एक्स होता तो तब माइनस साइन एक्स होता, ठीक है। और इसमें देखिए ऑल साइन टेन कॉस, तो ऑल में सब पॉजिटिव होता है, साइन ये साइन का अगर साइन ओनली पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ 0.00001725। तो इसमें जो आपको दिया है, अब देखिए 0.00001275, तो पॉइंट को हटाने के लिए आपको कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इधर आपका मेन क्या बचेगा, 1275 बचेगा, और नीचे आपका कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10^8 हो गया। ओके, तो 10^8 आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1275 इंटू 10^-8 आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम लोग पॉइंट को इधर ले लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा आपका 10^8 से क्या हो जाएगा, 10^-5 हो जाएगा, तो 1.275 इंटू अगर 10^-5 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तब राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए एक्चुअली आप लोग आ रहा था 1.275 इंटू 10^-8, तो इधर आप लोग पॉइंट को इधर तक लेके आ गए, 1.275 आप लोग कर लिए है, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए आपका 10^-5 हो गया। ये जो आपका लाइन है इसमें 1275 है, 1275 इंटू 10^-8 है, ओके। और उसमें जब 10^8 को कम करना है तो इसमें आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 1.275 इंटू 10^-5, ऐसे अगर आप लोग पॉइंट इधर लाते हैं तो 10^-4 हो जाता, अगर पॉइंट अगर 12.75 होता तो 10^-6 हो जाता था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -3 और सामने -3 क्यूब, तो आप लोग जानते हैं जो -3 का क्यूब करते हैं तो ये क्या होगा, -27 ही होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं -3 × -3 × -3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टोटल 27 हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस होगा, -27 आ गया, तो इसमें देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +27 लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन पर आपको पूछा जा रहा है, इफ बी इज इक्वल टू 1 नीचे आपका 2 4 बाई के इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है, इसमें आपको कुछ देखने का नहीं है, जस्ट आपको क्या कर देना है, आपको k इज इक्वल टू इसका साथ इसको मल्टीपल इसका साथ इसका मल्टीपल इज इक्वल टू आपको कर देना है, तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा 8, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan x इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें आपको बोला tan x इज इक्वल टू, तो tan x इज इक्वल टू √3, तो आप लोग ऐसे लिख सकते tan x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री लिख सकते, क्योंकि √3 का किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो आप लोग tan 10 कर सकते हो, तो x इज इक्वल क्या आएगा 60 डिग्री, इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है, ए बैग कंटेन 10 ब्लैक एंड 20 व्हाइट बॉल्स, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट, तो इसमें बोले एक बैग में 10 काले और 20 सफेद रंग के गेंद है, एक समय पर एक ही गेंद बिना सोचे निकली जाती है, फिर सफेद गेंद निकालने की कितना संभावना होता है, तो इसमें कितना ब्लैक बॉल बोला है, टोटल ब्लैक बॉल बोला है आपका ब्लैक बॉल 10 और व्हाइट बॉल कितना है आपका 20 है, तो व्हाइट बॉल निकालने का चांस आपको पूछा है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, टोटल आपका व्हाइट बॉल 20 है और 10+20 मतलब टोटल 30 बॉल है, तो इसको अगर आप लोग करेंगे तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, तो 2/3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आ गया है। ये था टोटल आज का एनपीसीएल रावतबटा में प्लांट ऑपरेटर सेकेंड स्टेज में पूछा गया क्वेश्चन पेपर का मैथ का सोल्यूशन है, और भी
एनपीसीएल का पेपर है जिसका साइंस और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी है जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा क्योंकि एनपीसीएल नरोड़ा का एग्जामिनेशन सामने है, तो इसके लिए मैं उसका भी सोल्यूशन बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो सपोर्ट ऐसे कीजिए और आने वाला दिन में आप लोगों को और भी जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।